क्या प्राइस है? 180 का थाली है, वेज बिरयानी 100। अब ये भाई साहब जो थाली बता रहे हैं ना 180 रुपए की, वो IRCTC के मेन्यू में तो है ही नहीं। आपका वो स्टैंडर्ड मिल नहीं है? स्टैंडर्ड भी है। स्टैंडर्ड कितने वाला है? 80 का है। तो एक स्टैंडर्ड लिख लो। आप सबको स्टैंडर्ड क्यों नहीं बता रहे हो? 180 बता रहे हो मैंने काफी लोगों को देखा है जब वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं और सफर के दौरान उन्हें कोई मुश्किलों का सामना करना पड़े तो उनमें से काफी लोग प्रॉब्लम को चुपचाप सह लेते हैं और काफ़ी लोग रेलवे को गाली देके मन को तसल्ली दे देते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें इन सिचुएशन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा इन तीनों में से कौन सा हाल है देखते हैं आगे जर्नी में। आज मैं सफर कर रहा हूँ चेन्नई से अहमदाबाद की ओर जा रही नवजीवन एक्सप्रेस के वातानुकूलित 3 टीयर में। क्या नहीं समझे, 3rd AC की बात कर रहा हूँ। खैर आज की इस जर्नी में प्रॉब्लम के साथ साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे कि मुझे पता चला ऐसा एक स्टेशन के बारे में जो 2 राज्यों के बीच में बटा हुआ है। और आपने रेलवे की कुछ ऐसी क्रॉसिंग तो देखी होगी, लेकिन आज इस रूट में मुझे कुछ ऐसी क्रॉसिंग दिखने वाली है। जर्नी के शुरुआत में मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि आज मुझे पहली बार मेरी फेवरेट साइड लोअर सीट जो मिली है। मुझे वो सीट मिली जो सबको चाहिए होती है, साइड लोअर। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये खुशी मेरे लिए एक लंबे समय का दर्द बन जाएगी। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है कि मैं जो सीट पे बैठा हूँ ना, वो सीट यहाँ से फटी हुई है। देखो ये दिखने में लग रहा है बहुत थोड़ा सा फटा हुआ है, बट ये जो यहाँ पे जो नुकीला पार्ट निकला है ना, वो चढ़ने और उतरने में बहुत लग रहा है। सफर शुरू होता ही ट्रेन जैसे ही चेन्नई सेंट्रल से बाहर निकलती है, मैं बड़ा एक्साइटेड होकर अपनी साइड लोअर सीट पे विंडो के बाहर के नज़ारे का मजा ले रहा था। थोड़ी ही देर में चाय वाला आता है, लेकिन पर्सनली मैं ट्रेन की चाय पीना पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन ये कोई नॉर्मल चाय नहीं है, ये चाय में आपको फ्लेवर के ऑप्शन मिलते हैं। बोलो, स्पेशल चाय मसाला भैया। चाय कॉफी भैया? चाय मसाला चाय। चाय कॉफी भैया? बोलो, स्पेशल टी। ऑनेस्टली कहूँ, जब भी मैं साउथ इंडिया की तरफ सफर करता हूँ तो ये चाय का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूँ, क्योंकि ये चाय होती ही इतनी टेस्टी है। आप भी कभी अगर ये सफर में आओगे तो प्लीज इसे जरूर ट्राई करिएगा। ये जो मसाला वाली चाय है, मुझे 10 रुपये वाली चाय तो इसे खा चुका है। चाय की चुस्की ले ही रहा होता हूँ कि तब खाने का ऑर्डर लेने ये भाई साहब आते हैं, जो कि पैसेंजर के साथ स्कैम कर रहे थे। और जब मेरे पास आए तो मैंने उनको इस बारे में टोका भी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा रिप्लाई मिला। क्या लंच में? लंच क्या है मतलब? वेज मिल्स, वेज बिरयानी। लंच क्या प्राइस है? 180 का थाली है, वेज बिरयानी 100। अब ये भाई साहब जो थाली बता रहे हैं ना 180 रुपए की, वो IRCTC के मेन्यू में तो है ही नहीं। आपका वो स्टैंडर्ड मिल नहीं है? स्टैंडर्ड भी है। स्टैंडर्ड कितने वाला है? 80 का है। तो एक स्टैंडर्ड लिख लो। आप सबको स्टैंडर्ड क्यों नहीं बता रहे हो? 180 बता रहे हो आप सबको? आप हमारे साथ चलिए, आप जिसको बोलो उसको बता। मैंने आपसे अभी 4-5 दिन का आपने बताया, आपको एक खाना तो एक नहीं मिला इसमें, 4-5 तुमको यहां से देख लिया। स्टैंडर्ड मिल खाना तो एक से भी नहीं मिला। स्टैंडर्ड मिल है ना जी? स्टैंडर्ड मिल है ना? तो आपको बताना चाहिए सबको, आपको सबको बताना चाहिए ना? सबको नहीं बताते? क्यों नहीं बताते हो? नहीं कोई पूछेगा इसको बताएगा? रूल है ना, IRCTC का रूल है कि स्टैंडर्ड खाना आपको। कोई बात नहीं बड़े भाई साहब, जब खाना मिलेगा, जब एक खाना नहीं मिला आपको, मान लीजिए आपको नहीं मिलेगा, आप स्टैंडर्ड मिल लिख लीजिए। IRCTC की जो 80 रुपये वाली स्टैंडर्ड थाली आती है, मैंने उनसे डिमांड की और वो मुझे लाके देंगे ऐसा उन्होंने कहा भी। तो वेंडर सबको 80 रुपीज़ की जो थाली है वो बता ही नहीं रहे, मतलब जो स्टैंडर्ड बिल होता है IRCTC का वो बता ही नहीं रहे, वो कोई 180 की थाली बता रहे थे जिसमें कढ़ाई पनीर की सब्जी, 2-3 सब्जी वगैरह जो भी था
बट ये गलत बात है ना, आई आर सी टी सी की जो स्टैंडर्ड थाली है 80 रुपीज़ की, वो बताना कंपलसरी है ना। अभी किसी के पास अगर 100 रुपीज़ है खाने के लिए, वो एक्सपेंसिव स्पेंड नहीं कर सकता खाने को, तो बेचारा तो खाना खाएगा नहीं। अभी इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज आया है और स्टॉपेज का नाम है सुलुरपेटा। आई डोंट नो कि मैं सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। मैं दूसरे ब्लॉगर की तरह स्टेशन के बारे में जानकारी नहीं देने वाला भाई। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा वो एक घंटे बाद आएगा, बुदूर जंक्शन, तो देखते हैं तब तक। अब मैं खाने का वेट कर ही रहा होता हूँ कि तब मुझे साइड से कुछ चुभता है और मेरी नज़र इस चीज़ में जाती है। तो प्रॉब्लम ये हुई ना कि अभी ये जो सीट है यहाँ से फट चुकी है, तो ये जो नुकीला पार्ट है ना वो चढ़ने उतरने में पैर में लग रहा है, एंड यहाँ से ये बंद भी नहीं हो रहा। अभी तो मैं बैठा हूँ, बैठकर उठ भी जाऊँगा तो प्रॉपर बंद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से एक फ्लैट सरफेस नहीं जिसमें मैं अच्छे से लेट सकूँ। अब मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इस सीट से, तो मैं आ जाता हूँ गेट पे और सोचने लगता हूँ कि भाई क्या किया जाए इस सीट का। बहुत सोचने के बाद मैं ये डिसीजन पे आता हूँ कि टीटी सर का वेट करते हैं, टीटी सर जब भी आएंगे मैं उनसे अपनी सीट चेंज करवा लूँगा। मीन वेल मुझे याद आता कि भाई मैंने तो 80 रुपये वाली थाली भी ऑर्डर की थी जो कि अभी तक आई नहीं है। उन्होंने मुझे टाइम बताया था, वो टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है, और भैया मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन क्या करे, सह लेंगे थोड़ा सा। अरे थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरा खाना तो आ ही जाता है और मुझे खाने में कुछ ऐसा सर्व किया जाता है। खाना जो मिला मेरा वो काफ़ी अच्छा था, सब कुछ चावल से लेके सब्जी से लेके, दाल में थोड़ा मुझे नमक कम लगा बट स्वादिष्ट था, दाल भी टेस्टी थी, मतलब नमक कम था लेकिन टेस्टी थी, नमक थोड़ा बराबर होता तो काफ़ी खाना अच्छा था। अब खाने के साथ जो पिकल मिला था वो पिकल मुझे पता नहीं कि, मतलब मैंने वो पाउच ओपन किया तो मुझे वो पानी पानी सा दिखा तो मैंने पिकल छोड़ दिया, बाकी खाना अच्छा था। वैसे जनरली 80 रुपीज़ की थाली में कर्ड यानी दही भी मिलता है हमें, लेकिन बहुत ही रेयरली किसी ट्रेन में हमको दही देते हैं पेंट्री वाले। तो जब मेरे पास खाना आया तो मैंने उनसे बोला कि भाई इसके दही भी मिलता है, तो उन्होंने बोला कि दही कभी कभी दही नहीं होता तो हम एक बर्फ़ी देते हैं अंदर, तो अंदर एक बर्फ़ी भी थी तो ठीक था, ओवरऑल खाना अच्छा था। अब टीटी सर तो आए नहीं है तो सीट की कंप्लेन किसे करूं, ये सोच ही रहा होता हूं कि तब मेरी नज़र ये पोस्टर में पड़ती है। रेलवे में कोई भी कंप्लेन करनी हो, रेल मदद चाहिए हो तो ये नंबर दिया है यहाँ पे 139, जिसमें आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। तो मैं तुरंत ही 139 पे कॉल करता हूँ और अपनी सारी समस्या उन्हें बताता हूँ। तो इसका फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो ना गाइस बहुत लंबी हो रही थी और मैं नहीं चाहता कि आप लंबी वीडियो देख के बोर हो, और मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट पार्ट है वो सैटरडे को आ जाएगा। अगर आप वीडियो सेम डे देख रहे हो तो आज सेम डे है वेनसडे, तो 2 दिन बाद यानी सैटरडे को आपको नेक्स्ट पार्ट देखने मिल जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप चैनल पे चले जाओ या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी सेकेंड पार्ट की, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हो।